सेमीफाइनल जीआईसी व टीम लेलू के मध्य कुछ ही क्षणों बाद इस ऐतिहासिक ड्रेसिंग मैदान में प्रारंभ। मेरा पिथौरागढ़ की संप्रांत खेल प्रेमी जनता से निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। येलो की टीम और रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन में जीआईसी की टीम, पिक ऑफ लेती हुई जीआईसी की टीम। पहला फॉल, काफी दिलचस्प मैच जी। ऐसे के दर्शन नंबर 12 को यहाँ पर दिखाया गया सेलिब्रिटी हैंड करने के लिए। टॉप ऑफ टीम में बॉल डाला गया अपने साथी खिलाड़ी को, लेलू के खिलाड़ी बॉल को सही से कंट्रोल नहीं कर पाए। मोहित बिस्ट बॉल साइड लाइन से बाहर टकरा कर थोड़ी जी ऐसे के पक्ष में, और कुछ समय पश्चात हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंटी जी हमारे मध्य पहुंचने वाले हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग खिलाड़ी बुजुर्ग दर्शक मैच देखने के लिए आए, आपसे अनुरोध है कृपया मुख्य मंच के पास आकर बैठने का कष्ट करें। यहाँ पर नगर पालिका परिषद परिवार की ओर से आपके लिए बैठक व्यवस्था बनाई गई है और सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है उनके द्वारा, इसलिए आप लोग जब भी मैच देखने आते हैं तो मुख्य मंच पर आकर बैठने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया मुकाबला हो रहा है इसे, दूसरा सेमीफाइनल क्यों, आज जो टीम जीतती है वो जाती है सीधे फाइनल में। बहुत ही खतरनाक मुकाबला आज का। बढ़िया शॉट, अच्छा खेल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जीआईसी की टीम भी बढ़िया है, रेड कलर में जीआईसी और ग्रीन कलर में बिल्कुल, काफी बढ़िया प्रतिस्पर्धा। बहुत बढ़िया अभिनंदन, काफी अच्छी देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया फुर्ती, काफी अच्छी दिखा रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया पास, फर्स्ट हाफ काफी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात ये रहेगी गाइस कि पता लगा किसका भारी होता है आज। वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों के योद्धा काफी जबरदस्त दिख रहे हैं, क्यों यंग है, बिल्कुल यंग प्लेयर है, फुर्ती दोनों में ही है, फुर्ती दोनों में है बराबर। आज की विजेता टीम सीधे फाइनल में बिड़ के साथ। बहुत बढ़िया, बढ़िया चांस। हमारे मध्य नगर पालिका परिषद परिवार के वरिष्ठ सभासद श्री बसंत कुमार जी बजेटीवार के हमारे मध्य बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपके द्वारा जीआईसी की टीम को
प्रोत्साहन हेतु 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत कुमार जी आपका, और प्रतिदिन आप यहाँ पर मैच देखने के लिए आते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। पहला कॉर्नर लेती हुई यहाँ पर जीएनसी की टीम। बिल्कुल ले लोगे, फाउल करार जाएगा निश्चित तौर पर। यहाँ पर जिस तरह से पीछे से उनको पुश करने का प्रयास किया था, पुशिंग फ्रॉम बिहाइंड, निश्चित तौर पर यहाँ पर फाउल काउंट होगा और जीआईसी को एक अवसर यहाँ पर लगभग 25 यार्ड में फ्री किक मिली है। बिल्कुल दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन खेल का पूरी प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, और इस वजह से आज ये दोनों टीमें यहाँ पर सेमीफाइनल में खेल रही हैं। और लक्ष्मण सिंह रावत जी के द्वारा यहाँ पर काउंटर बनाने का प्रयास में लेलू की टीम यहाँ पर काउंटर बनाने का प्रयास में, लेकिन काफी डिले हो गया, फाउल मार दिया जाएगा। काफी जबरदस्त मुकाबला लेलू के पक्ष में, यहाँ पर एक अवसर मिला था इससे पूर्व जीएसी को 25 यार्ड में फ्री किक का, लेकिन वह उसे बुना नहीं पाई, बॉल को भेज नहीं पाई और टकरा कर बॉल वापस आई, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर लेलू ने काउंटर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन विफल हो गई, क्लियर किया उसको जीएसी के पुजारी ने। नंबर 9 बहुत बढ़िया भिड़ंत, बहुत ही जबरदस्त भिड़ंत। अच्छा थ्रू बॉल डालने का प्रयास करता, लेकिन बॉल काफी तेज, मैदान थोड़ा सा चट है जहां पर घास नहीं है, इसलिए जब हम बॉल को थ्रू डालते हैं तो काफी तेज बॉल एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। ये ऐसी कि खिलाड़ी के गोल मारने पर लक्ष्मण जी राउत जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाना है। जैसे की टीम आपका अच्छा बॉल यहाँ पर अवसर हो सकता है पेनल्टी एरिया के बॉल, अभी भी खतरा बना हुआ है लेलू के लिए, देखिए क्या होता है, लेकिन सही ढंग से बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए और अवसर को बना नहीं पाए। यहाँ पर लेलू की टीम फिर से काउंटर बनाने के प्रयास में, यहाँ पर अरे थोड़ा सा मैदान में भी अनिवन बाउंस है, इसलिए थोड़ा सा खिलाड़ियों को दिक्कत निश्चित तौर पर हो रही है, क्योंकि यह कॉमन ग्राउंड है, इसमें सभी तरह की गतिविधियाँ होती हैं, इसलिए फुटबॉल में खिलाड़ियों को थोड़ा सा बॉल को कंट्रोल करने में और बॉल दौड़ाने में दिक्कत होती है। वहाँ पर फ्लैग अप है, शायद असिस्टेंट रेफरी कहना चाह रहे हैं वहाँ पर नीतीश ओझा। और जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे मध्य प्रकाश जोशी जी, वह हमारे बड़े भाई सामाजिक कार्यकर्ता, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर मंचा सीन है, तो आपके द्वारा, हालांकि आप समय समय पर सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और इस समय आपके द्वारा पुनः जीआईसी की टीम को प्रोत्साहन हेतु 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। ऑफसाइड यहाँ पर दिया गया है नवीन खत्री जी, मुख्य निर्णायक के द्वारा लेलू की टीम को। ऊंचा बॉल यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मिस कराया था, बहुत बेहतरीन प्रयास था, उसको हेड मिस कराया था लेलू के प्लेयर ने, लेकिन बॉल थोड़ा सा तेज निकल गई, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैदान काफी चट है और बॉल में काफी स्पीड रहती है। सचिन उप्रेती आपके पिताजी भी श्री दीपक उप्रेती जी, जो वर्तमान में अध्यापक हैं, नेशनल फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काशीपुर फुटबॉल हॉस्टल में उनकी पढ़ाई हुई है दीपक उप्रेती जी की, और वह भी नेशनल स्तर तक फुटबॉल खेल रखा है उन्होंने भी, और वो भी गोलकीपर की पोजीशन में खेलते थे। जीएसी के गोलकीपर सचिन उप्रेती भी आपने 4 बार अभी तक नेशनल खेला है। कुछ यहाँ पर दिक्कत आई है हमारे असिस्टेंट रेफरी यतीश ओझा जी और मुख्य निर्णायक आपस में कुछ चर्चा करते हुए, क्या हुआ ऐसा, कोई डिसीजन का नहीं आ पाया। बॉल बॉयज, एक कोई बॉल बॉयज बड़ा बच्चा यहाँ पर आ जाए, लेलू के पास मौका, लेलू के पास है मुझे मौका है क्यों। बिल्कुल बिल्कुल,
संभवतः ऐसा लग रहा है कि गोलकीपर बॉल के साथ 18 यार्ड पेनल्टी एरिया से बाहर आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट किक मिलेगी, 18 यार्ड में डायरेक्ट किक मिलेगी। यदि गोलकीपर गलती से, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गोलकीपर 18 यार्ड से बाहर आ जाते हैं बॉल के साथ, तो उसे हैंड माना जाता है। और गोलकीपर भी हैं तो वो 18 यार्ड से बाहर हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसे हैंड माना जाता है। 10 यार्ड मिनिमम दूरी यहाँ पर किसी भी फ्री किक को लेने के लिए फुटबॉल के नियमानुसार कम से कम 10 यार्ड की दूरी होनी चाहिए अपोनेंट प्लेयर की। थ्रो फेंकते हुए कम से कम 2 यार्ड। और अवसर यहाँ पर बढ़ सकता है, प्रयास किया था लेकिन बॉल को भेजने में सफल नहीं हो पाए फिर से तेलुगु के खिलाड़ी ने, लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में बॉल। 0-0 के बराबरी पर यहाँ पर दोनों टीमें। अच्छा बॉल डाला था लेकिन वहां पर ऑफसाइड करार दिए जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो चुके थे वो। अच्छा मौका, बहुत बढ़िया मौका हो सकता है, फिर से एक अच्छा अवसर वहां पर चेंज करने का प्रयास किया था लेकिन थोड़ा सा विफल रहे अपने साथी खिलाड़ी को देने में, फिर भी बॉल उन्हीं के पक्ष में बनी हुई है। क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर क्लियर। श्री नरेंद्र खत्री जी से अनुरोध है कृपया सेमीफाइनल में जो ट्रॉफी दी जानी है उसको ऊपर भिजवा दीजिए मुख्य मंच में। नरेंद्र खत्री जी वाली दोनों टीमों को, दोनों सेमीफाइनल में हारने वाली जो टीमें हैं उनको अपनी ओर से प्रोत्साहन हेतु एक ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। आपका बहुत 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 धन्यवाद आनंद महर जी, मानसोवर रेस्टोरेंट के आप स्वामी हैं और आपके द्वारा दो सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, कृपया वो ट्रॉफी ऊपर भिजवा दीजिएगा खत्री जी। जिसका गेम देखना था वो है मंगल का ही, आज मंगल अब सेंटे हैं शायद, आ सकते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी टक्कर के योद्धा हैं दोनों। पाल लंबा बॉल डालते हुए अपने साथियों के ऊपर बॉल को मिस कराने के प्रयास में लेकिन सफल नहीं हो पाए, संघर्ष करते हुए ले लो और फाउल करा दिया जाएगा यहाँ पर पुशिंग, ले लो के पक्ष में यह फाउल। ये कार्ड ऑलरेडी हो चुके हैं जी एस सी के दर्शन नंबर 12 को। धीरज फ्री किक लेते हुए यहाँ पर बाएं पांव से ऊंचा बॉल टॉप ऑफ टीम में डाला है, बहुत बढ़िया शॉट, अवसर यहाँ पर था लेकिन गोल के पर तेज तर्रार सचिन उप्रेती। 4 नेशनल अभी तक आप खेल चुके हैं अपने स्कूल की तरफ से और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं। पुजारी जर्सी नंबर 9 तेज तर्रार खिलाड़ी धीरज संघर्ष करते हुए वहां पर बॉल अभी वापस लेलू के पक्ष में। यहाँ पर लेलू के खिलाड़ी मैदान के मध्य में खेल चलता हुआ, बॉल बनी हुई उनके पास, प्रयास कर रहे थे पास देने का साथी खिलाड़ी को लेकिन सफल नहीं हो पाया। वापस जी ऐसे के पास बॉल, जर्सी नंबर 9 ड्रिबल करते हुए बॉल को आगे बढ़ाने के प्रयास में, साथी खिलाड़ी को रोकने के प्रयास में लेकिन सफल नहीं हुए। पूजा बॉल अपने साथी के लिए, जी एस सी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 के पास बॉल लेकिन साइड से कंट्रोल नहीं कर पाए। लेलू फिर से मूव बनाने का प्रयास में साथ ही खिलाड़ी को नोट देवे लेकिन मैदान काफी फास्ट है, संभवतः बॉल रुक गई है लेकिन सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाई, बॉल गोल लाइन से बाहर, गोल किक यहां पर। अब आया मंगल, तो मंगल की आज हो चुकी है वापसी, आज देख सकते हैं गाइस बहुत तगड़ा लेलू की तरफ से, काफ़ी ज़बरदस्त और उभरते हुए खिलाड़ी मंगल, 14 नंबर की जर्सी पहने हुए
काफी बढ़िया मंगल का दबदबा, काफी बढ़िया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत जबरदस्त हेड लेते हुए दोनों की टीमें एक दूसरे पे लगातार आक्रमण करते हुए। ओ बहुत ही जबरदस्त लंबा थ्रो, आपके चाहिए थे खिलाड़ी मंगल आ चुके हैं, फिर क्या उम्मीद लगाई है आपने? खतरा हो सकता था, गोल पड़ जाने हैं। गोल पड़ जाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद हम भी करते हैं कि गोल पड़ जाए। काफी बढ़िया, काफी बढ़िया प्रयास, तारीफ करनी पड़ेगी आप, तारीफ बिल्कुल। लक से थोड़ा थोड़ा सा चुके, थोड़ा सा, काफी शानदार प्रयास था तेलुगु टीम का। लंबे किक, बॉल बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मंगल के आते ही यार देखा, शुभ संकेत मिले लेलू की टीम को, गोल होते थे रहा, क्योंकि मंगल अपने आप में ही काफ़ी यूनिक खिलाड़ी है। काफ़ी बढ़िया शॉट, अगेन मंगल के पास बॉल, बढ़िया प्रयास लेलू, बॉल पे कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ा सा चुक गए, बॉल साइडलाइन से बाहर, थ्रोइंग जीआईसी के पक्ष में। बढ़िया भिड़ंत, बढ़िया भिड़ंत, काफी जबरदस्त, मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह लुंठी जी को का सम्मान करें, ज्यादा ही हवा में थी बॉल, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, क्या बात है यार, शॉट की है लेलू की, वासी तारीफ करनी पड़ेगी यार, बढ़िया शॉट, सटीक एकदम, बहुत बढ़िया मौका, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल साइड लाइन से बाहर। लेलू के अगर मंगल गोल करते हैं तो प्रदीप सिंह मेहता जी द्वारा उनके लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है, पुरस्कारों की छड़ी, बिल्कुल बिल्कुल लगने शुरू हो गई, क्योंकि मंगल काफी यूनिक खिलाड़ी है। जीआईसी फ्रेंड से तेजी से आगे बढ़ते हुए, कॉर्नर किक, देखने वाली बात होगी ये किक कौन सा नया मोड लेती है, बहुत अच्छा, काफी बढ़िया, कीपर का हाथ बताओ, बिल्कुल बिल्कुल, गोल कीपर का अच्छा योगदान था यहाँ पर, देखने वाली बात होगी,
ये किक कौन सा नया मोड लेती है, काफ़ी बढ़िया। कीपर का आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, गोल कीपर का अच्छा योगदान था यहाँ पर। सुंदर क्रॉस लेकिन सीधे ही गोल कीपर के सुरक्षित हाथों में। बहुत बढ़िया शॉट मंगल की, बढ़िया पास, बहुत अच्छा मौका ले लुके बेटा, क्या बात हो गई यार, यार ले लो, किसी प्रकार के मौके उनको बनाना पड़ेगा। एक इंच से बचा है। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, काफी बढ़िया। 24 नंबर की जर्सी पहने हुए लेलू के महायोद्धा, बहुत बढ़िया। लेलू की जो है कि किस्मत थोड़ी सी आज थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है, क्योंकि दो बार मौका उन्होंने खो दिया है और मौके भी बहुत ही ज़बरदस्त थे उनके पास। इंच भर से रह गया गोल। पहला हाफ ख़त्म होने में कुछ ही क्षण बाकी। गोल की बात करें तो 0 ओवर बना हुआ और डिफेंडर द्वारा बॉल को क्लियर किया गया। लेलू के 24 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को उनके शानदार प्रयास के लिए छात्र संघ के पूर्व सचिव सूरज गिरी सूरी कि उसे 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया पास, ले लो के पक्ष में। लंबा क्लियरेंस, बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल साइड लाइन से बाहर। लक्ष्मण सिंह रावत की द्वारा जीआईसी की ओर से प्रथम गोल करने वाले को 500 रुपए का नगद पुरस्कार। बसंत भट्टी बसंत जी सभासद जीआईसी द्वारा जीआईसी की टीम को 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि। प्रकाश जोशी जी द्वारा जीआईसी की टीम को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि। करते हैं तो प्रदीप सिंह मेहता जी द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार और छात्र संघ पूर्व सचिव सूरज गिरी द्वारा 24 नंबर की जर्सी पहने हुए लेलू के खिलाड़ी के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार। क्योंकि भाई बहुत ही जबरदस्त उनके पास चांस है, चांस तो बहुत मध्यांतर तक काफी शानदार और आक्रामक खेल आपको। जो 14 नंबर की जर्सी पहने हुए लेलू के होता है वो तो काफी जबरदस्त। दोनों ही टीम अभी तक बराबरी पर, काफी थोड़ा सा प्रयास किए दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पे लगातार।